तो स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से खेलेंगे GTA 5। तो चलो अभी ना मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, और जैसे ही ना मैं घर के अंदर जा रहा था मुझे से ना अंदर से ना ये बुढ़िया की आवाज़ आई, इसलिए ना मैं घर के कोने में आके छुप गया, क्योंकि अगर इसने मुझे देख लिया ना तो ये बहुत देर तक ना मुझे पकाने वाली है, और ये ना मुझे बहुत देर तक घर के अंदर जाने नहीं देगी, और साथ में ना इसकी एक दोस्त भी है, तो इसकी दोस्त के सामने भी ना ये अपनी इज्जत का भाजी वाला करे तो अपन है ना इसके पास जाएगा ही नहीं, अपन ना इधर ही खड़े खड़े देखेगा कि साला इनका क्या मैटर चल रहा है। तो अभी ये दोनों ना जॉगिंग के लिए निकल रही है, और थोड़ी देर में ना ये जॉगिंग के लिए निकल जाएगी, तो जब तक कि ये दोनों यहाँ से जाती नहीं है चुपचाप कोने में खड़े रहता हूँ, क्योंकि इसने अपने को देखा ना तो उधर ही अपने दिमाग का दही हो जाएगा। तो चलो अभी ना घर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि ये जा चुकी है। अब साला किसने आवाज़ दी, तो अभी ना एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत आ गई। अभी साला ये लमार का बच्चा पता नहीं कहाँ से पहुँच गया, अब पता नहीं इसको अपन से क्या काम है। तो चलो चल के पूछते हैं इसको अपन से क्या काम है। तो ये साला अपने को चिढ़ा रहा है कि तेरी तेरी आंटी से इतनी फटती काहे को है। अबे फटती नहीं, ये साला अपने दिमाग का दही कर देती है। और साथ ही ना लमार अभी ना एक काम के लिए मेरे पास आया है, वो मेरे से कह रहा है कि ना अपन है ना एक बंदे को किडनैप करने वाले हैं, कोई बंदा है डी नाम का, और वो ना एक बालास गैंग का मेंबर है। तो ये कह रहा है कि अपन है ना उसको किडनैप करके उसकी गैंग से ना $40,000 मांगेंगे। तो ये साला ना हमेशा ना अपने फ़ायदे के चक्कर में ना मेरी बैंड बजाता है। अभी ये किसी बंदे को किडनैप करने का बोल रहा है, और अगर अपन ने उसको किडनैप किया तो उसकी जो टीम है ना वो तो अपनी बैंड बजा देगी। तो चलो पहले तो है ना देखते हैं बंदा आखिर है कौन। तो अपने साथ ना ये एक बात जो इस मिशन में सबसे अच्छी है वो है ये कुत्ता। ये कुत्ता ना अपने को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लमार खरीद के लाया, लेकिन लमार से ना अपन इस कुत्ते को ले लेंगे और इसको ना अपने पास ही रखेंगे। तो चलो पहले तो चल के ना ये चोप को है ना, इस कुत्ते का नाम चोप है, तो पहले इसको तो है ना वैन के अंदर बिठा देते हैं, उसके बाद अपन बैठेंगे। तो चल बेटा अभी तू ना वैन में चढ़ जा, क्योंकि तेरी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या मालूम साला वो मोटा कहीं छुप के बैठा हो, तो उसको तू ही तो ढूंढने वाला है, इसलिए तू अपने साथ चलने वाला है। गुड बॉय, वैन में बैठ गया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी ना अपने को है ना वाइनवुड जाना है, क्योंकि पता लगा है कि वो जो मोटा है ना वो डी मेंबर, मतलब वो डी जो बेलास गैंग का मेंबर है वो अभी वहीं पे है वाइनवुड में। तो अपने को ना चल के है ना उसको ढूंढ के और पकड़ के लाना है, और उसके बाद है ना अपन है ना उसकी जो गैंग है ना उससे अपन $40,000 मांगेंगे, और वो उनका बहुत ख़ास आदमी है, तो वो अपने को इतने पैसे तो दे ही देंगे। तो चलो बस उम्मीद करते हैं कि इस काम में कुछ गड़बड़ ना हो। अभी अपने साथ लमार का बच्चा है तो गड़बड़ तो पक्की होगी, लेकिन फिर भी अपन चाहेंगे कि गड़बड़ ना हो। और ये देखो भैया अपने मोटा भाई ना इधर ना अपनी लेला के साथ ना मस्त रोमांस सीन चल रहा है। अबे साले तेरे को किडनैप करने के लिए आए हैं, पहले तो इसको अपना मुंह बांध लेते हैं। साले ने पहचान लिया ना तो इसकी गैंग वालों को अगर अपना नाम बता दिया, अपना चेहरा बता दिया, तो अपने तो लग जाएंगे, इसलिए मुंह सबसे पहले ढक लो। तो चलो अभी है ना मोटा भाई की है ना लाइफ लाइन में, मतलब लव लाइफ में ना थोड़ी दखलबाजी करते हैं। तो अभी मोटा भाई को ना अपन ने साफ कह दिया कि अभी अपन ना तेरे को इधर उठाने के लिए आया है, लेकिन मोटा भाई ये मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा साले तुम दोनों को ठोक डालूंगा। अबे ऐसे कैसे ठोक देगा, अबे तेरे को उठाने के लिए इधर आए हैं। अभी साला लमार, अबे लमार क्या कर रहा है, मारेगा क्या इसको, इसको मारना नहीं है, अबे इसको अपने को सिर्फ उठा के ले जाना। अबे तेरी शात का भेजा, अबे ये तो साला इसको तो ना साले को धूम फोर में लेना चाहिए। साला क्या बाइक उड़ा के गया अपने सामने से, साला थोड़ी सी भी अगर ठोक देता ना तो अपने तो इधर ही लग जाते। साला इसको किडनैप करने आए थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा वाला निकला, ये तो बाइक लेके साला इधर से बहुत ही स्पीड में कल्टी मारते हुए निकल गया। तो चलो अभी चल के इसको ढूंढते हैं। साला इतनी तेज़ गाड़ी चलाए जा रहा है कि मतलब दिख ही नहीं रहा है, इसकी तो ना आज 12 बजा देंगे। पहले तो साले को पकड़ो, उसके बाद ना इसके पीछे तो कुत्ता छोड़ दूंगा मैं, साले की चड्डी फड़वा देंगे, अब बाद में इसको नई चड्डी दिलवा देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर चलो पहले तो ना चल के इसको पकड़ते हैं, क्योंकि ना इस आप देख रहे हो ये साला कितनी ज़्यादा स्पीड से ना अपनी गाड़ी को बिल्कुल भगाया जा रहा है। अबे थोड़ा तो थम जा, हमारे पास वैन है, जान लेगा क्या बच्चों की। अबे 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 मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, चलो मुड़ गई। अबे कितनी तेज़ गाड़ी चला रहा है बे साला, इतना मोटा होके भी इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता है। अबे कहीं गिर गया ना तो खरबूजे बिखर जाएंगे तेरे। चलो पहले तो इसको पकड़ते हैं साले को। अबे क्या क्या टर्न मार रहा है बे, अबे गाड़ी धीरे चला यार, बच्चों पे रहम कर, हमारे पास वैन है यार। अबे तेरी जात का भेजा, तू साले एक बार गाड़ी रुकने दे तेरी, इसकी तो ना आज मैं बैंड बजा दूंगा। साला इतनी स्पीड में भगाया जा रहा है, एक तो स्पीड में गाड़ी चलाया जा रहा है, ऊपर से साला ऐसे ऐसे टर्न मार रहा है, एक तो वैन है हमारे पास, साला इसको टर्न लेने में टाइम लगता है। अबे ये क्या गाड़ी फंस गई, जल्दी से चलता हूँ। अबे तेरी जात का भेजा, इसको तो ना भाई बस ने टक्कर मार दी,
और इसके तो लगता है अब लग गए। मैंने कहा था साले को तेरे खरबूजे बिखर जाएंगे, लेकिन मेरी सुनी नहीं। पर अभी भी साला ठीक है, उठ के पैदल भागने लगा। तो चलो पहले तो है ना चोप को बाहर निकालता हूँ, क्योंकि ना चोप है ना इसको सूंघ के है ना इसका पीछा करेगा, और अपन ना चोप की मदद से इसको पकड़ेंगे। तो चलो अभी कुत्ते को ना इसके पीछे मैंने छोड़ दिया है, साले को भगने का बहुत शौक है ना, अब तो बेटा भगते जा। अभी ना तेरे ना स्वागत के लिए ना एक और बंदा अपने साथ जुड़ चुका है। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार अपने चोप के साथ। तो अभी अपना जो चोप है ना वो इस बंदे की बैंड बजाने वाला है। तो अभी तू बेटा भाग कितना भागेगा, इसको ना भागने का बहुत शौक है बेटा, सारी एक्सरसाइज आज हमारे साथ ही करने वाला है। लगता है साला मोटा आज है ना अपने को दौड़ा दौड़ा के पतला होने वाला है, पर कोई बात नहीं, इसको तो आज है ना छोड़ने नहीं वाले कितना भी भाग ले। अबे ये क्या, इसने तो वो CID की दया की तरह गेट तोड़ दिया। चलो अच्छी बात है, चलो चल के इसको पकड़ते हैं फटाफट से। अभी अपना चोप का रह गया, अब जल्दी आप पीछे रह गया, क्या कर रहा है, मुझसे तो आगे भाग कम से कम। साले सबके सामने बेइज्जती क्यों करवा रहा है सब, कम से कम मुझसे तो आगे भाग। अभी मोटा साला मोटा कहाँ भागे जा रहा है बे, अबे ट्रेन की पटली पे लेके आ गया, ट्रेन उड़ा देगी साले तेरे को, नहीं तो हमको तो उड़ा ही देगी, भाग कहाँ रहा है बे। अबे अबे बचा बचा साला, पटरी ट्रेन के नीचे आ जाता तो अभी और साले पैसों के चक्कर में इसकी गैंग वाले अपने बजा देते। तो चलो अभी तो नहीं साला ये मोटा ना पता नहीं कहाँ जाके छुपा है। अभी चढ़ा तो इसी ट्रेन पे था लेकिन इस पे तो नहीं है, कंटेनर के अंदर तो जा नहीं सकता साला, गया तो गया कहाँ। इसको पहले ना ढूंढ के आता हूँ, ऐसा नहीं हो साला यहाँ से कहीं भाग जाए तो फोकट में ना अपन ने इतनी मेहनत की सब बर्बाद हो जाएगी। तो चलो पहले तो इसको चल के ढूंढते हैं। तो बस अभी यहाँ पे ना ऐसी तो कोई जगह है नहीं जहाँ पे ये मोटा छुप सकता है, बस अगर ऐसी कोई जगह है तो ये कंटेनर्स, यही कंटेनर्स में ये हो सकता है। तो चलो पहले चल के ना इन कंटेनर्स को एक एक करके खोलता हूँ, हो सके वो मोटा इसके अंदर छुप के बैठा हो। तो चलो पहले इस वाले कंटेनर में देखता हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है ना। तो गाइस ये वाला जो कंटेनर है ना ये तो खाली है, इसमें नहीं है। अब मोटा अपना है ना, मोटा है ना अलग ही, अपने मोटा भाई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, अगर वो कंटेनर में छुपे हो ना तो अलग ही दिख जाएंगे। तो इस वाले कंटेनर में तो अपने मोटा भाई है नहीं। अभी अपने मोटा भाई की ना कुत्तों से बहुत फटती है, इसलिए ना लमार एक कुत्ता खरीद के लाया। तो अपन तो ना कुत्ते को रखने वाले हैं, क्योंकि लमार को नहीं देंगे, साला फोकट में उल्टे सीधे काम करता रहता है, कुत्ते को भी भगा ही देगा। तो इस कुत्ते को तो ना मैं ही रखने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ना अभी पहले अपना काम करते हैं। चलो पहले चल के ना ढूंढते हैं कि साला मोटा भाई गया तो गया किधर। अभी ना चोप की मदद लेनी पड़ेगी, साला इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरे को जानता तो है नहीं, तो मेरी बात तो ये सुनने वाला है नहीं, पता नहीं अब ये मेरी बात सुनेगा कि नहीं। अबे चोप कहाँ जा रहा है, अबे कहाँ जा रहा है, अबे क्या करेगा, उस कुत्ते के पीछे क्यों जा रहा है, अबे छोड़ दे उसे, उसे छोड़ दे यार, क्या करेगा, अपने को अपना काम करना है, अपने को मोटा भाई को ढूंढना है। अबे कर क्या रहा है तू, अबे तेरी जात को, अबे क्या कर रहा है, सब देख रहा है, अबे इज्जत का फालूदा काहे के लिए कर रहा है, अबे क्या कर रहा है यार तू, गली के कुत्ते वाली हरकत मत कर साला, इधर अपन किसी को पकड़ने आए और तू अपना पर्सनल काम कर रहा है। अबे यार क्या यार साला, इज्जत का फालूदा कर दिया तूने, इतने सारे लोग देख रहे हैं और तू अपनी इज्जत का फालूदा कर रहा है। तो गाइस अभी ना चोप है ना वापस से आ चुका है, वो अपना पर्सनल काम करके वापस आ चुका है। तो चलो अब इस वाले कंटेनर में देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं है मोटा, और ये रहा है अपने मोटा भाई। तो मोटा भाई ना अभी मेरे को मिल चुके हैं, अभी ना चोप को मैंने ना मोटा भाई के पीछे लगा दिया है। पर पकड़ साले की ना चड्डी फाड़ देना, इसको अपन नई चड्डी दिलवाएंगे, लेकिन अभी तो इसकी चड्डी फाड़ दे। अरे बस 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 कर बस कर, मर जाएगा अब, इसको मानना नहीं है, इससे अपन पैसे वसूलेंगे, मानना नहीं है। तो गाइस अभी ना लमार भी ना अपनी वैन लेके आ चुका है। तो चलो पहले तो इसको ना वैन में चढ़ाते हैं, और अपन है ना इसके साथ ना चोप को बिठाएंगे, क्योंकि इसकी ना कुत्तों से बहुत ज़्यादा फटती है। इसके अगर अपन ने ना इसको वैसे ही अकेले बिठाया ना तो ये साला ना फिर कूद के भाग जाएगा। तो अभी ना चोप को इसके साथ बिठाते हैं, साला हिलेगा भी नहीं, और अगर हिला ना तो साले की तो बैंड बजा देना है। तो चलो अभी इसको तो अपन ने ना किडनैप कर लिया है। तो गाइस इसको ना अभी अपन फाइनली किडनैप कर चुके हैं। अब तुम पता है इस साले ने कितना भगाया, लेकिन अपने को उससे नहीं मतलब, अपने को पैसे से मतलब, वो पैसे ना अभी अपन ले ही लेंगे। तो चलो अभी आगे चलते हैं, चोप को पीछे बैठा दिया तो अब मोटे भाई पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, ये मोटे ने ना लमार को पहचान लिया, और ये कह रहा है कि ये इसकी टीम वालों को बता देगा अगर छोड़ा नहीं तो। तो गाइस अभी अपने को ना इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं छोड़ा ना तो ये है ना जाके अपनी गैंग को बता देगा। तो है ना अपन इसको बता देते हैं, और साथ ही ना लमार के बच्चे ने ना इसी वाले मोबाइल से इसकी गैंग वालों को कॉल किया था, और ये मोबाइल मैंने इसलिए फेंक दिया क्योंकि ये मोबाइल नहीं फेंकता ना तो वो अपना जो नंबर है वो ट्रेस कर लेते हैं। तो ये साले को ना उसने पहचान लिया, और ये लमार के बच्चे के चक्कर में ना अपना सारा का सारा जो प्लान था ना वो चौपट हो गया, क्योंकि उसने ना इसको देख लिया और वो कह रहा है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी मेरे गैंग वालों से बोल दूंगा। तो इसी वजह से अपन को ना उसको छोड़ना पड़ा।
तो गाइस अभी ना वो बंदा अपने हाथ से जा चुका है, अपन ने जो सपने देखे थे $40,000 के उस पर लमार ने खड़े खड़े मुंह दिया। तो कोई बात नहीं, चलो अभी कोई से छोटे मोटे लफड़े तो होते रहते हैं। तो चलो अभी ना लमार के से मैंने कह दिया कि जो भी है साले तेरी वजह से हुआ है, लेकिन ये कुत्ते को तू ना मेरे घर छोड़ के चले जाना, क्योंकि ये कुत्ते को तो ना मैं अब रखने वाला हूँ, क्योंकि ना इसने ना वो मोटे की ना हवा निकाल दी थी। तो इस कुत्ते को अपन रखेंगे, क्योंकि ये ना अपने को है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो गाइस आप सभी ने देखा अपन ने इतनी सारी मेहनत की और साला पूरी की पूरी मेहनत पे ना ये लमार ने पानी फेर दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आया। और गाइस अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर।